चलिए बनाते हैं मशरूम मसाला, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, एकदम क्रीमी बिना क्रीमी उसके। सबसे पहले तेल को कर लेंगे गरम, उसके बाद डाल लेंगे जीरा, जब थोड़ा सा स्प्लटर हो जाए फिर डालेंगे लहसुन और अदरक। उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद डालेंगे प्याज स्लाइस किए हुए हुए, अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेना है हल्का ब्राउन होने तक, ज़्यादा ब्राउन नहीं, हल्का ब्राउन होने तक। ये ऑलमोस्ट हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पका लेना है मसाले को लो फ्लेम पे, फिर डालेंगे टमाटर और इसे भी कर लेंगे मिक्स, और इसे ढक के पकाएंगे। और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के हम फिर से इसे ढक के पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छे से बॉईल भी आ गया है, टमाटर भी थोड़े मशी हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, और फ्लेम को लो कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर से कवर एंड कुक करना है। और ये फिर से बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब हम डालेंगे इसमें नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस इस ग्रेवी को करेंगे अब हम ठंडा। यहाँ पे मैंने लिया है मशरूम, ये देखिए बहुत गंदे लग रहे हैं। सबसे पहले इसका स्टॉक्स जो डंडियाँ हैं वो काट के अलग कर लेंगे, और एक कटोरी लेंगे, इसमें आटा लेंगे और अच्छे से स्क्रब करेंगे जितना हो सके। इसे आटे से ही साफ़ किया जाता है मशरूम को, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बेसिकली एक स्क्रब बन जाएगा, तो इसे स्क्रब कर लेना। ये देखिए शाइन भी आ गया था। अब हम इसे कट कर लेंगे 2 या 3 स्लाइसेस में अच्छे से। ये बटन मशरूम है, और सारे मशरूम्स कट कर लेना है। फिर से तेल गरम करना, और गरम मसाले, सूखे गरम मसाले हैं ये खड़े। और उसके बाद हम प्याज डालेंगे, हल्का सा सॉटे करेंगे, फिर लाल मिर्च का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे मशरूम्स कटे हुए, और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है मशरूम। अब बंद कर लेंगे गैस को। फिर हमने वो जो ग्रेवी तैयार किया था उस वो ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डाले। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हुआ है बिना क्रीम ऐड किए। तो अब हम इसमें मशरूम, वो सॉटे किए हुए मशरूम्स डाल देंगे, और जो हमने प्रिपेयर किया था पेस्ट, देखिए कितनी क्रीमी लग रही है अभी से ही। अब इसे भी थोड़ा हमें कुक करना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए कितने छिटक रहे हैं, तो इसे आप कवर करके ही पकाना। ये देखो ऑलमोस्ट हो गया। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, और डाल के लो फ्लेम पे 1 मिनट 2 मिनट पकने देंगे, और बस। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ते, बस इसे मिक्स करो और फटाफट सर्व करो। इतना डिलीशियस लगता है, इतना रिच, इतना क्रीमी है। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, कर देना लाइक और बेल आइकन प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन मिले आपको।